गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे और कल हमने इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी पढ़ा और दो तीन दिन पहले हमने पढ़ा था सोल ट्रेड के बारे में, उसकी भी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा। आज इनके अंदर अपन डिफरेंस करने जा रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। यहाँ बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा गया है, यहाँ पर पार्टनरशिप है, यहाँ पर सोल ट्रेड है। सबसे पहला जो डिफरेंस का जो रीजन है, बेसिस है, वो है नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम दो मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं, और सोल ट्रेड के अंदर ओनली वन पर्सन होता है, केवल एक ही व्यक्ति होता है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2% चाहिए, मैक्सिमम क्या उतना होता है 50, और उसके बाद आता है एग्रीमेंट। साझेदारी में स्पष्ट एग्रीमेंट का होना जरूरी है। यह जो एग्रीमेंट है, साझेदारी संलेख के रूप में हो सकता है, पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें रूल और रेगुलेशन लिखे जाते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, एक एग्रीमेंट होता है। एक ही व्यक्ति होने के कारण किसी तरह का कोई एग्रीमेंट होने का कोई बनाने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। अकेला व्यक्ति अपने साथ क्या एग्रीमेंट करेगा, जो कुछ है सारा उसी का है। नंबर थर्ड आता है एक्ट। पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है इसके लिए। इसके लिए किसी तरह का कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है। नंबर फोर्थ आता है रजिस्ट्रेशन, चाहे वो पार्टनरशिप है चाहे वो सोल ट्रेड है, दोनों में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। सोल ट्रेड का तो रजिस्ट्रेशन वैसे भी नहीं होता, अगर पार्टनरशिप है इसका रजिस्ट्रेशन आप करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते, आपकी इच्छा है। इसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, क्योंकि इसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं, इसलिए जिस प्रॉफिट को जिस रेशियो के अंदर बांटना है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होना चाहिए, जहाँ रूल और रेगुलेशन लिखे जाते हैं। इसमें सारा का सारा प्रॉफिट एक ही पर्सन का होता है जो सोल ट्रेड को चलाने वाला होता है। मैनेजमेंट, सभी साझेदार में से कोई एक साझेदार फर्म का मैनेजर हो सकता है, ठीक है, और वही सबकी ओर से उस फर्म का क्या करता है, पूरी मैनेजमेंट करता है। इसके अंदर जो मैनेजमेंट है केवल एक ही बंदे के ऊपर होती है, वो सारा काम खुद करता है, ये सबकी ओर से करता है, वो ये इसका क्योंकि खुद का बिजनेस है, ये सारा खुद संभालता है। इसके बाद आता है कैपिटल। फर्म में सभी साझेदार कैपिटल लगाते हैं, जिसके परिणाम से फर्म के वित्तीय साधन अधिक होते हैं, फाइनेंशियल जो सोर्सेज हैं वो ज्यादा बन जाते हैं। अकेला व्यक्ति होने के कारण जो सोर्सेज है वो लिमिटेड रह जाते हैं, ये इसकी एक कमी भी है और ये इसके अंदर खासियत भी है। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की परमिशन के बिना फर्म से अपनी जो शेयर होगा उसको ट्रांसफर किसी थर्ड पर्सन को नहीं कर सकता, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फिर कर सकता है। इसमें स्वामी को अपने हित के हस्तांतरण की स्वतंत्रता होती है, अपना जो बिजनेस है किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के टाइप बता रही, वो पार्टनर के टाइप भी हो सकते हैं, तो ये अलग अलग बेसिस पे दिए हुए हैं। नंबर वन आता है हमारे पास ही फुल फ्लैज पार्टनर। इस फुल फ्लैज पार्टनर के अंदर क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले एक आता है एक्टिव पार्टनर आता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर के अंदर क्या होता है, वे साझेदार जो फर्म के संचालन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये फर्म में कैपिटल भी लगाते हैं और प्रॉफिट और लॉस के अंदर शेयर भी होता है, और जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। ऐसे पार्टनर जो फर्म के एजेंट के रूप में काम करते हैं, अर्थात इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सभी पार्टनर के उसके द्वारा किए गए काम के लिए सभी पार्टनर जिम्मेवार होते हैं। इन्हें जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास स्लिपिंग और
स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग यानी कि निर्दालु और स्थिर पार्टनर को अभिप्राय उस साझेदारी से जो अन्य साझेदारों की भांति कैपिटल तो लगाता है, प्रॉफिट के अंदर भी हिस्सा होता है। असीमित लायबिलिटी इसे कहते हैं, परंतु व्यवसाय संचालन में वो यानी कि वो बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, होता बिल्कुल वो एक्टिव पार्टनर, मतलब एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है और ये स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी एजिटी लगभग सेम होता है। उसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर, वह साझा जिसके फर्म के साथ संबंध की आम पब्लिक को किसी तरह की कोई भी जानकारी नहीं होती, उसे सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। यानी कि वो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर तो होता है लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। इसकी शेष विशेषताएं अन्य साझेदारों के समान ही होती, वो कैपिटल लगाता है, वो प्रॉफिट के अंदर शेयर भी होता है और सारा कुछ पार्टिसिपेट भी करता है, और इसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, मतलब सारा कुछ अदर पार्टनर की तरह होता है, लेकिन लोगों को ऐसे पार्टनर के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो उसे सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। तो एक तो आपने डिफरेंस कर लेना है, एक फुल फ्लैज पार्टनर के बारे में आपने पढ़ लेना है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम अपन नॉन फुल फ्लैज पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। ओके।